पढ़ाई में अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं? मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि लगभग 60% लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। केवल कुछ ही प्रतिशत लोगों में पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट होता है। उनके अपने अपने विषय होते हैं, अब वो चाहे मैथ, साइंस, पॉलिटिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहीं ज्यादातर लोगों को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो समाज के बनाए हुए ढांचे को देखते हुए जबरदस्ती पढ़ाई में एकाग्रता बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं एकाग्रता बनाए रखने की, परीक्षा में टॉप करने के लिए काफी परेशान होते हैं, तरह तरह की टिप्स को फॉलो करते हैं। भाई, इस तरह से जबरदस्ती एकाग्रता बनाने से नहीं बनती, आपकी एकाग्रता अपने आप ही बन जाती है उस चीज में जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है। और ये इंटरेस्ट आप जन्म से ही अपने साथ लेकर आए हो। आप जबरदस्ती किसी नए इंटरेस्ट को पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को धोखा दे सकते हो। अरे भाई, उस ईश्वर ने आपके अंदर पहले से ही प्रोग्रामिंग करके भेजा हुआ है। आप जबरदस्ती उस प्रोग्राम को डिलीट करके अपनी प्रोग्रामिंग करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आप ना तो इधर के रहेंगे और ना उधर के, पूरी जिंदगी कंफ्यूज और बेचैन होकर जिएंगे। तो आपको उन स्किल्स को पॉलिश करना चाहिए जो स्किल्स आप लेकर पैदा हुए हो, ना कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखकर उन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल हमारी पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम ही गलत है, और कहना ज्यादा बेहतर होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दरअसल गधों को बनाने की फैक्ट्री है। भाई, हर इंसान की स्किल्स और उसका इंटरेस्ट अलग अलग विषय में होता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम सभी छात्रों को एक ही तराजू में डाल देता है और सबको वही एक ही तरह की घिसी पिटी पढ़ाई एक जैसा बनाने की कोशिश करता है। रोबोट या मशीन, हम इनसे कम नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लो, हमारे इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे पागल सनकी पैदा हुए जिन्होंने आज की शिक्षा प्रणाली पर एक क्वेश्चन मार्क रख दिया, हिलाकर रख दिया। दुनिया में पैदा हुए जीनियस लोग अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, रामानुजम, क्या ये लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चले? जबकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इन्हें नकार दिया, इन्हें मंद बुद्धि कहा, क्योंकि ये सभी लोग गधे नहीं बनना चाहते थे। इन्हें पागल लोगों ने दुनिया की थ्योरीज को हिलाकर रख दिया और ऐसी ऐसी खोजें की जो आश्चर्यजनक थी। ये सभी फेमस लोग वही बने जो बनने के लिए पैदा हुए थे। इन्होंने अपने ऊपर किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग नहीं होने दी, जिसमें कि एक हैं थॉमस अल्फा एडिशन, जिन्होंने पिछली कुछ सदी में अपने 1000 आविष्कारों का पेटेंट करवाया था। बड़ी कमाल की घटना है उनके जीवन की। जब उनका एडमिशन स्कूल में हुआ तो उसके एक महीने बाद उनकी टीचर ने उन्हें एक लेटर लिखकर दिया और कहा, एडिशन जाओ ये लेटर अपनी माँ को दे देना। अब उन्हें पढ़ना तो आता नहीं था, तो वो घर पर आए और वो लेटर अपनी माँ को दे दिया, और फिर माँ ने वो लेटर पढ़ा और तुरंत उठाकर अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और कहा, बेटा कल से तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लेटर में तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही काबिल है। हमारा स्कूल इस लायक नहीं है कि आपके बेटे को हम पढ़ा सकें, तो आप अपने बेटे को अपने घर पर ही पढ़ाइए, तो इसलिए बेटा मैं ही तुम्हें आज से पढ़ाऊंगी। अब एडिशन बहुत ही खुश हो गए और एडिशन की माँ ने ही एडिशन की पढ़ाई कराई। और तकरीबन 40 साल बाद जब उनकी माँ का देहांत हो गया तो घर में ही साफ सफाई करते हुए बक्से में एडिशन को वो लेटर मिला जो एडिशन को स्कूल से मिला था। अब एडिशन बचपन में तो पढ़ नहीं पाते थे और एडिशन ने वह लेटर पढ़ा और उस लेटर में लिखा था कि कृपया आप अपने इस नालायक बेटे को अपने घर में ही रखें, इसे स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, यह बच्चा किसी भी काम का नहीं है, बिल्कुल योग्य नहीं है, तो कृपया आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजना। उसके बाद एडिशन हैरान हो गया कि उसकी माँ ने तो बिल्कुल उल्टी ही बात बताई थी जो उस लेटर में लिखी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एडिशन की माँ कितनी समझदार रही होगी, कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक रही होगी। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसके स्कूल के टीचर तो समझते थे कि यह लड़का बेकार ही पैदा हुआ, यह जीवन भर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता को भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका बच्चा जीवन में कुछ कर पाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन 5-6 साल की उम्र के बाद तक तो बोलना ही सीख पाए थे और 7-8 साल की उम्र तक बड़े ही अजीब ढंग से चल पाते थे, वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे तैसे स्कूल में पढ़ पा रहे थे, बहुत ही कम नंबर्स मिलते थे उनको, और उनके गणित के टीचर जो थे वो तो काफी उनसे नाराज थे। और आज आपको तो पता ही है कि अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ साबित हुए और उन्होंने सभी थ्योरीज को पलट कर रख दिया, सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ऐसे ही रामानुजम, वैसे रामानुजम के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है
चाहे तो आप उसे जाकर देख लेना। तो ये सभी महान इंसान स्कूल्स के पढ़ाई के लिए नहीं बने थे, कहीं ना कहीं हमारी दुनिया की बनाई हुई एजुकेशन सिस्टम में ये फेल साबित हुए। लेकिन जब तक पृथ्वी पर मानव जाति का एग्जिस्टेंस है, तब तक इनकी सक्सेस के चर्चे चलते रहेंगे। ये अपने कामों की वजह से ऐसे ही जाने जाते रहेंगे आने वाली पीढ़ियों तक। तो आप अपनी प्रतिभा को पैदा नहीं कर सकते, आप अपने इंटरेस्ट को पैदा नहीं कर सकते। आपका इंटरेस्ट कहीं और है और आप जोर कहीं और लगा रहे होते हैं, इसलिए आप फेल रहते हैं, पूरी जिंदगी कंफ्यूज्ड रहते हैं। जरा आप अपने आप को ही चेक करके देखना, आपका इंटरेस्ट कहीं और होता है और आपके पास रह रहे लोग आपको ताने देते हैं, आपके ही परिवार में दूसरों की तारीफें करते हैं, आपके मॉम डैड आपके रिलेटिव्स आपका दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, दुनिया भर के लोगों के एग्जाम्पल्स देते हैं। आखिर ये लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं? एक रोबोट, एक मशीन जिसे कमांड दिया और बस काम करना शुरू। आप इन सबके बारे में सोचते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चीज आ ही जाती है कि यार मुझे यह करना चाहिए जो समाज मुझे बता रहा है, जो मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स मुझे बता रहे हैं, यही मेरे लिए सही होगा। और आप गलत जगह पर एफर्ट करने लगते हो और अपनी प्रतिभा को ही खो देते हो, और फिर ढूंढते फिरते रहते हो, गूगल करते रहते हो तरह तरह के मोटिवेटर्स को कि मैं इस चीज में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मैं एकाग्र नहीं हो पाता, मुझे क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि आप वो करो जिसमें आपको मजा आता हो, जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हो। इतिहास गवाह है, पढ़े लिखे लोग ही सक्सेस नहीं होते, बल्कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों के अंडर में जॉब्स करते हैं, नौकरियां करते हैं। और हम सब पढ़ लिख कर एक नौकर बनना चाहते हैं, मालिक नहीं। अगर आप अपनी ही स्किल्स पर काम करोगे, अपने ही टैलेंट पर काम करोगे, तो आप मालिक बनोगे, नौकर नहीं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है हमारे पास में, अंबानी, सचिन तेंदुलकर, यार लाखों एग्जाम्पल्स हैं। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हमने आंखें बंद कर रखी हैं। अब तो आंखें खोलो, केवल पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बल्कि मेरा कहने का मतलब यह है कि साथ ही साथ आप अपने टैलेंट को पहचानें, आप अपने टैलेंट पर ज्यादा काम करें। ज्यादा पढ़ लिख कर बोरिंग जिंदगी जीने से बेहतर है कम पढ़ लिख कर एक सेटिस्फाइड लाइफ जियो, अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो। हाँ, बाकी मेरे पास में ऐसी भी टिप्स हैं कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बहुत है फिर भी एकाग्रता नहीं साध पाते तो इसके लिए क्या करना होगा, तो भाई इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। और साथ ही मुझे अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। वैसे ये वीडियो मुझे थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, इसे कभी आगे पूरा कर लेंगे आपके सवालों के साथ में। तो आज का टॉपिक बस यही था। और मेरे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड पर भी कमेंट करते रहो, क्योंकि उसी चैनल पर मैं आपके सवालों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।